नमस्ते। दिनांक 30/4/2020, कक्षा बी ए द्वितीय वर्ष, विषय शैक्षिक प्रबंधन और समावेशी शिक्षा। आज का जो टॉपिक है शिक्षक की भूमिका में समावेशी शिक्षा। शिक्षक की भूमिका में समावेशी शिक्षा। शिक्षक का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक अशक्त या विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा के में शिक्षक की भूमिका। समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन, विद्यार्थियों को समस्याओं के समाधान में शामिल करना, किताबों और गीतों का आदान प्रदान, संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान, छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना, छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना, विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों को दल बनाना, प्रिय वातावरण का निर्माण करना, बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारण, अभिभावक का सहयोग लेना, विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना, अधिकतम सामग्री का उपयोग कक्षा कक्ष में जो सहायक सामग्री कंप्यूटर प्रोजेक्टर या प्रोजेक्ट स्लाइड प्रोजेक्टर या मॉडल या चार्ट के माध्यम से बच्चों TLM के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है सुन, इसके लिए भौतिक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। भौतिक वातावरण का रूपांतरण, बच्चा अगर चलने में दिक्कत है या सुनने में दिक्कत है या बोल नहीं पाता है तो बोलने में सुनने में दिक्कत है तो उस बच्चे को देखने में दिक्कत है तो उस बच्चे को नहीं उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर नहीं अपंग है तो उसको रैम बनाना चाहिए या फिर बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा है या देखने में दिक्कत आ रही है तो उस बच्चे को आगे बैठाना चाहिए। सरल प्रबंधन तकनीकों का अपनाना। सरल प्रबंधन तकनीकों अगर बच्चा अगर मुश्किल हो रही है या उड़न गया तो उस बच्चे को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उस बच्चे को आगे बैठाना चाहिए। शिक्षक की भूमिका में समावेशी शिक्षा। शिक्षक की भूमिका में समावेशी शिक्षा। आधुनिक युग में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक वह है जो हमें किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। शिक्षकों का अहम ध्येय युवा मस्तिष्क को तेजस्वी बनाना है। एक शिक्षक का जीवन कई दीपों को प्रज्वलित करता है। शिक्षक की भूमिका उस सीढ़ी जैसी है जिसके जरिए लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन सीढ़ी वहीं रहती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। शिक्षक की भूमिका। सुविधा पहला है सुविधा प्रदाता, सेकंड है अनुसरणकर्ता, थर्ड है नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, फोर्थ है परामर्शदाता। सुविधा प्रदाता जो बच्चों को जो सुविधा शिक्षक जो के माध्यम से दी जाती है वो सुविधा प्रदाता कहलाता है। अनुसरण करता जो स्टूडेंट की कोई समस्या है तो उसको पहले उसको अच्छे से सुने समझे फिर है ना उसको समझ वो शिक्षक उसको समझ कर फिर उस बच्चे उसकी समस्या को समाधान करना चाहिए। नेतृत्व करता कक्षा कक्ष का को शिक्षक खुद लीडर होता है जो कक्षा कक्ष को दिशा निर्देश सही दिशा की तरफ लेकर जाता है। मार्गदर्शक जो मार्गदर्शक बच्चे को मार्गदर्शक शिक्षक के सही मार्ग पर लेकर जाता है पर बच्चा सही मार्ग बताता है और सही रास्ते पर लेकर जाएगा पर चलना तो बच्चों को ही पड़ेगा। परामर्शदाता इसमें प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उस बच्चे को गीली मिट्टी की तरह होते हैं, बच्चे को जिस तरीके से ढाला जाए उस तरीके से वो ढल जाते हैं। वैसे ही परामर्शदाता जिस तरह से पढ़ाया उस तरीके से बच्चा उसी रास्ते में उसी तरीके से वो ढल जाएगा। आज जो अपने शिक्षक की भूमिका में जो समझे शिक्षक जो टॉपिक पढ़ाए आपने वो अच्छे से सुना है और अच्छे से समझाए उसके लिए बहुत आपको धन्यवाद।